स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पांडा पुरोहितों ने स्थगित किया आंदोलन। तो केदारनाथ से ये जानकारी, पांडा पुरोहितों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किया गया है। दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने को लेकर जो है पंडित लगातार आंदोलन कर रहे थे, और केदारनाथ सिर्फ उत्तराखंड में, ऐसा सीएम धामी ने आश्वासन दिया है। दिल्ली में बन रहा सिर्फ प्रतीकात्मक मंदिर, केदारनाथ के पंडित पुरोहित सीएम की बात से हुए आश्वस्त। केदारनाथ धाम के मूल स्वरूप में नहीं बनेगा दिल्ली में मंदिर, सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि केदारनाथ के मूल स्वरूप में दिल्ली में निर्माण होने वाला मंदिर नहीं बनेगा और वहां सिर्फ प्रतीकात्मक मंदिर बनेगा। तो अब जो पांडा पुरोहित सीएम की बात से आश्वस्त है, और खबर देहरादून से है, जहां आईआईएम रोहतक ने चारधाम यात्रा पर स्टडी रिपोर्ट पेश की है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम की कैरिंग कैपेसिटी पर आईआईएम रोहतक की रिपोर्ट की समीक्षा की और सुगम सुरक्षित यात्रा का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि आरएफआईडी कार्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन पर सोच विचार किया जाना है। एक्शन प्लान में श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की पुख्ता व्यवस्था, यात्रा के प्रभावी प्रबंधन मॉनिटरिंग और स्थानीय इकोलॉजी को संरक्षित करते हुए स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर खास फोकस किया जाएगा। और वहीं देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिया गया संबोधन वायरल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिस तरह से कार्यकर्ताओं के नाम के सहारे पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे, वह अब जमकर वायरल होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आज आगे है वह कल पीछे होगा, इसलिए किसी को थोपने के बजाय कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके फैसला लिया जाना चाहिए। ऐसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया, नेता तो बहुत पीछे हो गया है, कार्यकर्ता सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई ही नेता नहीं, बड़ा आदमी नहीं, गायित्व तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया। कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो, एक बार बता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ही है। हम किसी के अगर पे कहीं 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 हो रही हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पूर्व सीएम का ये जो बयान है इसके क्या मायने? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिस प्रकार से बीजेपी विस्तार कार्य समिति की बैठक में अपना संबोधन दिया, उस संबोधन के माध्यम से बड़े नेताओं पर जो बड़ा जुबानी हमला करने का काम उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि जिस तरीके से इस समय बीजेपी के भीतर हलचल मची हुई है, चाहे वो दूसरे दलों से आए हुए नेताओं के चलते हों या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच में जो संवादहीनता इस समय चल रही है या उसको लेकर हो, उस चीज़ों को लेकर उन्होंने सीधा तौर पर यहाँ पर प्रहार करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज जो नेता आगे बैठे हैं वो कल पीछे हो सकते हैं, क्योंकि
कि बीजेपी में रीत कार्यकर्ताओं की चलती है या बीजेपी नेता आधारित नहीं बल्कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं पर किसी भी निर्णय को थोपने के बजाय कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करनी चाहिए और उसके आधार पर अपना निर्णय यहाँ पर पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले ये कह सकते हैं कि दोनों विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटों पर जो प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया था उससे पार्टी के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर यहाँ पर आए थे और यही वजह रही कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में वो उस दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने का काम नहीं किया और उसका परिणाम ये रहा कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार नसीब यहाँ पर हुई थी, क्योंकि मंगलौर में जिस तरीके से पार्टी ने करतार सिंह बड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा था, फरीदाबाद के रहने वाले हैं करतार सिंह बड़ाना, कभी लोकदल से या फिर कभी हरियाणा में चौटाला जी की दल से उन्होंने विधायकी वहां पर किया, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर वह उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का काम किया था। वैसे ही बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे राजेंद्र भंडारी उनको भाजपा में शामिल हुए सिर्फ 2 महीने नहीं हुए थे, उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारने का काम यहां पर किया। ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, उनके जो मेहनत है उस मेहनत की अनदेखी करने का काम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर किया था और यही वजह रहा है कि हार के रूप में उन्हें उसका खामियाज यहाँ पर मिला। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में भी पार्टी को बहुत सारे चुनावों को यहाँ पर लड़ना है, तो ऐसे में अभी से ही कार्यकर्ता आधारित पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात को सुनना बहुत जरूरी होता है और ये सीधे तौर पर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में भी अभी भी ये कह सकते हैं कि सरकार और संगठन के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, क्योंकि ना तो दायित्वों का बंटवारा सही समय पर यहाँ पर हो पा रहा है, ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर हो पा रहा है, जिसके चलते कई विधायक कई पार्टी कई वरिष्ठ नेता इस समय अपनी ही पार्टी की नीतियों से खासे खपा यहाँ पर चल रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर उम्मीद थी कि बीजेपी में दायित्व बंटवारे यहाँ पर हो पाएंगे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने का काम होगा, सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर हो पाएगा क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया, 4 मंत्री पद अभी भी सरकार में रिक्त पड़े हैं लेकिन उन सब चीजों पर बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में अभी भी चाहे वो नेतृत्व को लेकर हो या फिर मंत्रियों के पदों को लेकर हो दायित्वों को लेकर हो पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने लगी है, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधने का काम यहाँ पर किया है। जी अभय, हम देखें तो ना सिर्फ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर काफी सारी जो चीजें हैं वो देखी जा रही है और पार्टी के नेता विधायक जो है वो खुश नहीं है, लेकिन हम बात करें तो चुनावी दौर है और ऐसे में कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखेंगे पार्टी के जो आला नेता है वो, क्योंकि एक एक कर जो नेता है आपस में ही अंतर्कलह की जो खबरें हैं लगातार देखी जा रही है। देखिए अंतर्कलह के साथ साथ में बीजेपी की जो रीति नीति है बीजेपी की अपनी रीति नीति के विपरीत इस समय चलने का काम उत्तराखंड में कर रही है। उत्तराखंड में कहा जाता था कि पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा राय मशवरा करके ही अंतिम निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं, चाहे वो चुनाव में जाने का हो या प्रत्याशियों को उतारने का हो, हर चीज पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय शुमारी यहाँ पर ली जाती थी, लेकिन वो पिछले 1-2 चुनाव से देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। चाहे आप लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से नए कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतारने का हो, उसके बाद जिस प्रकार से उन्हें केंद्र में पूरी तरीके से दायित्व ना मिलना हो, उससे पहले जिनको दायित्व मिले थे उन दायित्वों उनको हटाने का मामला यहाँ पर आओ, उत्तराखंड में जिस प्रकार से तो पिछली सरकार में 3 नेतृत्व परिवर्तन यहाँ पर हुए, 3 चेहरे बदलने का काम यहाँ पर सरकार का बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया गया, वो ऐसे निर्णय हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए मजबूर यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता वह पार्टी के लिए सब कुछ काम करना चाहता है, क्योंकि बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की जो रणनीति है वो उसको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन जब उसके ये कह सकते हैं कि उनकी बातों को अनसुना करने का काम वहाँ पर किया जाएगा, उनके द्वारा जो सलाह मशवरे दिए जाते हैं जो सुझाव दिए जाते हैं उनको दरकिनार करने का वहां पर किया जाएगा, तो फिर पार्टी का कार्यकर्ता अधूरे मन से कार्यकर्ता और उसका खामियाजा चुनाव में हार के रूप में देखने को मिलता। आने वाले दिन में भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं की सुध अब भी पार्टी की तरफ से नहीं ली जाती है, वो बड़े नेताओं के निर्णयों को थोपने का काम कार्यकर्ताओं पर किया जाता है, तो फिर कार्यकर्ता इसी प्रकार से आधा अधूरे मन से काम करेंगे और वो बीजेपी के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। ये तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस समय हलचल चल रही है, जिस प्रकार से वहां पर नेतृत्व परिवर्तन की बातें वहां पर बड़े जोर शोर से चल रही है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी अभी भी ये कह सकते हैं कि संगठन और सरकार के बीच में ऑल इज वेल नहीं कहा जा
जा सकता है, क्योंकि अभी भी कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो सरकार की नीतियों से खासे नाराज यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उन सुझाव पर कोई अमल सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है। और संगठन के भीतर भी ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होने थे, जिनको नई जिम्मेदारियां मिलनी थी उसको देने में पार्टी संगठन अभी भी गुरेज यहाँ पर कर रहा है। तो कई तरीके की खामियां या कई तरह के असमंजस की स्थितियां पार्टी के भीतर बनी हुई है। और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का दिया गया संबोधन सीधे तौर पर इस बात को इशारा कर रहा है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है। और जल्द ही अगर पार्टी हाईकमान सब चीजों को गंभीरता से नहीं लेता है, इसको सही करने का काम नहीं करता, तो फिर आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियों का सामना बीजेपी की सरकार को भी करना पड़ सकता है और बीजेपी के संगठन को भी करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सूरी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी का औचक निरीक्षण किया। वही अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के साथ डॉक्टर स्टाफ को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वार्ड बॉय और स्टाफ नियुक्त किए जा चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीएमओ देहरादून को निर्देशित कर दिया गया है। आज दौरे से आ रहा था पहाड़ के और मैं सोचा कि यहाँ के उप जिला चिकित्सालय को जरूर देख के आऊँ। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं, अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है, अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, सीटी स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और डेंगू के लिए भी हमने हर जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड बना दिए हैं ताकि अगर कोई भी मरीज आएगा तो उनके अलग से व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और अब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने काफ़ी दिन से मुझसे आग्रह किया था कि यहाँ पे डॉक्टरों के लिए अलग से आवास बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुराना हॉस्पिटल था अंग्रेजों के ज़माने का। तो उसके लिए मैंने आज सीएमओ को आदेश कर दिए हैं कि वो जल्दी मुझे प्रस्ताव भेजें ताकि हम डॉक्टरों के लिए भी और स्टाफ नर्स के लिए भी आवास बना सकें। और दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वह मंदिर के नाम को लेकर उत्तराखंड में उपजे विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वे सरकार के इस काम की घोर निंदा करते हैं, इसलिए वे 24 तारीख को हरकी पैड़ी में गंगा स्नान करने के बाद हरकी पैड़ी से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा पर निकलेंगे और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर यात्रा की समाप्ति करेंगे। वहीं बीच बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नसन भी उनके साथ शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बदौलत केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि ट्रस्ट ने मंदिर का नाम बदलने का फैसला लिया है। निवेदन मैं कर रहा हूं और हम इसको हर की पैड़ी में स्नान के साथ 24 तारीख को शुरू करेंगे और ये पदयात्रा केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ समाप्त होगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबकी खुशहाली हो, सद्बुद्धि आए और जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दंडित भगवान। और मौसम से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, तो मौसम को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, कोटद्वार में भारी बारिश के आसार, तो जानकारी सामने आ रही, 7 जिलों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, कोटद्वार में भारी बारिश के आसार, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी है, तो ये जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। तो हर देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इसी के साथ नैनीताल, चंपावत, कोटद्वार में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से, तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, तो ये जानकारी सामने आ रही है। मौसम को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी,
प्रदेश के 7 जिलों में बारिश को लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो 7 जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बात करें तो नैनीताल चंपावन कोटद्वार में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए। वहीं देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही विभाग ने जनता से सतर्क रहने को कहा है और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मौसम को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, प्रदेश के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए मौसम को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर हम हरिद्वार की बात करें, पर देर रात से बारिश हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है, लेकिन लगातार जो बादल हैं वो बने हुए हैं। ऐसे ही हालात पूरे जिस तरह से पहाड़ों में भी बने हुए हैं। अगर हम बात हरिद्वार की करें तो वहाँ भी भूस्खलन के कारण मार्ग, वहाँ पर दुर्घटना मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिल रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार बारिश पूरे उत्तराखंड में इस समय हो रही है और जो मानसून है वो पूरा अपना असर यहाँ पर दिखा रहा है। और वहीं बात करें जिस तरह से अगर हालतों की, तो गंगा का जल स्तर अभी फिलहाल सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अगर जिला प्रशासन लगातार उस पर नजर भी बनाए हुए है और क्योंकि सावन अब कुछ दो दिन बाद सावन मेला भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और खासतौर पर ये भी देखा जा रहा है कि मानसून में आने वाले श्रद्धालुओं को अगर कोई परेशानी होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, वहाँ पर जल भराव की स्थिति ना हो, उन वहाँ से पानी लगातार निकल जाए अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो। वहीं जो कांवड़ पटनी मार्ग है वहाँ पर भी व्यवस्था निकासी, पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। जी जी विकास, कब तक जो है ये अलर्ट जारी किया गया है, कितने दिनों के लिए, कितने घंटों के लिए? फिलहाल देखिए 2 दिनों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कह सकते हैं कि अगर हम लगातार जिस तरह से वर्षा यहाँ पर लगातार हो रही है, बादल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, तो उसका असर यहाँ पर सभी जगह देखने को मिल रहा है। अगर हम हरिद्वार की बात करेंगे तो कल रात भी देर तक बारिश हुई, आज सुबह भी बारिश हुई और अभी हालांकि थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, लेकिन लगातार जो बादल हैं, घने बादल हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अभी 2 दिन लगातार और यहाँ पर जैसे आज और कल 2 दिन लगातार बारिश की यहाँ पर संभावना है, बिल्कुल बनी हुई है। जी जी जी। और अभी हम बात करें जिस तरीके से विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं लोगों की सेफ्टी को लेकर? देखिए क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार एक तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जब पहाड़ों पर वर्षा होती है तो जो लखतर आदि क्षेत्र है, जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर पानी गंगा में पानी बढ़ने के बाद वहाँ पर बाढ़ की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार उन क्षेत्रों में नजर बनाए हुए, अगर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंचता है तो जो सुरक्षा की टीमें हैं उनको वहां पर लगाया गया है और ग्रामीणों को वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और तभी बरसात के दिनों में जो गंगा में जाने वाले लोग हैं, गंगा का जल से जो जीवन यापन करता है वो उनको यहाँ पर दूर रहने के लिए यहाँ पर सुझाव दिए गए। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते आगे मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं 17 और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 17 और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में, अधिकांश जगह भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र के अलावा मैदानी इलाकों में भी इस दौरान भारी बारिश का अंदेशा है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की बेहद आवश्यकता है। उत्तराखंड के जल संस्थान विभाग द्वारा बरसात सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बरसात के समय हुई क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया गया है, जिसमें वर्षा के कारण 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलम गर्ग का कहना है
कि उत्तराखंड में 38 परिचालन केंद्र है जिनमें लोग अपनी शिकायत इन परिचालन केंद्रों पर कर सकते हैं। जो भी योजना क्षतिग्रस्त हो रही है उसको पूर्ण रूप से जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहां पर हम SDPE पाइप भेज देते हैं जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही एक या दो दिन में रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएं क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएं रह गई हैं जिसमें से 2 कुर्द्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगड़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं जो 2 दिन में चालू कर दी जाएंगी। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।